तो मैंने देखा बहुत लड़कों को, बहुत बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये तो मैथमेटिकल पार्ट है, यू नो। तो इस वीडियो में हम लोग वही मोल कॉन्सेप्ट के जो जो हमारे सिलेबस में है, मैं एक बार सिलेबस आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। बेसिकली हमारा सिलेबस में है आपका केलोसिक्स लॉ है, एम्पेरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन है और वेपर डेंसिटी, ठीक है, उसका रिलेशन मॉलिकुलर मास से, यही हमारा है, और तो कुछ है नहीं। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को हम लोग थोड़ा सा स्पीड में कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं सिलेबस फिर से देख ले रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी श्योर विद द सिलेबस। या गे-लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, तो स्टेटमेंट आ सकता है, वो लोग 1 मार्क्स का दे सकता है आपको, ठीक है। एक सेकेंड ना, उसके बाद सम्स है, वेपर डेंसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ मॉलिकुलर मास, एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, द मासेस ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गे-लुसेक्स लॉ को हम लोग समझेंगे। देखिए गे-लुसेक्स लॉ क्या कहता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, तो ये तभी यूज होगा जब रिएक्टेंट मेरे गैसेस होंगे, ठीक है। व्हेन गैसेस व्हेन गैसेस रिएक्ट, दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट इफ गैशियस। तो ये तभी हम लोग यूज करेंगे जब आपके गैशियस रिएक्टेंट हो, और वो जब रिएक्ट करते हैं तो डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो। इसका क्या मतलब है, इसे हम समझते हैं। अच्छा याद रखिए, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट होगा। कि अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और H2O बनाता है, ठीक है, तो H2NO2 गैस, ठीक है, गैस सबसे पहले इसे बैलेंस कर लो। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट डू बैलेंसिंग देन प्रॉब्लम हो जाएगा, तब आप ये सम नहीं कर पाओगे। सो बैलेंसिंग द इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2, 1, 2, इट क्लियरली मीन्स कि ये दोनों गैसेस है और टू वॉल्यूम्स रिएक्ट करेगा वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से। टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट विथ वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि टू वॉल्यूम रिएक्ट करेगा हाफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से, यही कहना चाह रहा है, व्हेन दे रिएक्ट इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो, फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं आएगा, समझ रहे हो। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लो, यानी कोई बच्चा बोलेगा सर क्या ऐसा हो सकता है कि टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1.3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, जब बैलेंसिंग करते हो यहां पे याद रखो होल नंबर्स देते हो, यू डोंट गिव फ्रैक्शन, यू डोंट गिव डेसिमल्स। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देन विल मूव। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन टू गिव अस अमोनिया। गैशियस रिएक्टेंट है, गैशियस प्रोडक्ट है, सबसे पहले बैलेंसिंग, बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसे बैलेंस कर लो भैया, ये वन होगा, ये थ्री होगा, ये टू होगा, इसका मतलब है वन वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ थ्री वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू गिव टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब इसको अगर हम लोग वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, तो कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है कि सर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 300
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया. या दिस इज टोटली करेक्ट, बिकॉज देखो रेशियो क्या है, 100 300 200, 100 300 200, यानी कि 1:3:2, वही तो मेरा रेशियो है, यही है मेरा गेलोसिक लॉ और कुछ नहीं है. ठीक है, चलो अब हम मैं सम्स करते हैं, चार पांच सम्स करेंगे, ये पूरा क्लियर हो जाएगा. और कहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ. चलिए एक सम देखते हैं हम लोग, बुक से ही मैं ले रहा हूं और एक दो सम मैंने टेस्ट पेपर से लिया है. पहले बड़ा इजी सा करते हैं कि एक क्वेश्चन है, 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन आर मिक्स्ड टुगेदर एंड इग्नाइटेड. कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर. कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर. अब ध्यान से देखो, ये सवाल है आपका. रिएक्शंस नहीं दिया रहता है, कभी कभी रिएक्शंस दिया रहता है. ठीक है, तो पहले रिएक्शंस लिख लो कि भैया CO प्लस O2 गिव्स अस CO2. ये बैलेंस नहीं है, तो यहां 2 दे दो, यहां 2 दे दो, यानी ये हो गया 2 वॉल्यूम रिएक्ट्स विथ 1 वॉल्यूम टू गिव 2 वॉल्यूम. यही है आपका. अब क्या बोला है कि 4, इसके ऊपर आप जो डेटा है यहां पे लिख लो, 450 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है. कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर. सबसे पहला बात यहां पे देखना है, ऑक्सीजन इज 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, 1:2:2. देखो समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं. ऑक्सीजन हमने 200 लिया है और ये 450 लिया है. अगर इसको तुम सपोज 200 से डिवाइड करोगे तो ये 1:2, ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना. यस नो, एम आई करेक्ट और नॉट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट, 2.25. इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अनयूज्ड रहेगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा अनयूज्ड रहेगा. इसका मतलब कि ये ऑक्सीजन पूरा यूज हो जाएगा. आप जब कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालोगे तो ऐसा मत करना, डोंट डू दिस. द कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखा है, बच्चे क्या लिखते हैं देख लो एक बार, कि भैया 2 वॉल्यूम ऑफ CO विल गिव 2 वॉल्यूम ऑफ CO2, तो 450 सेंटीमीटर क्यूब विल गिव 2/2 × 450 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2. ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा रिएक्ट नहीं कर रहा है बॉस, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा बच जाएगा. ये 1:2 का रेशियो था और जो वॉल्यूम दिया हुआ है आपका, उसमें वॉल्यूम 1:2.25 हो जा रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा बच जाएगा. अब हम करेंगे ऑक्सीजन से उसको कंपेयर करो, देखना ध्यान से देखना. हाउ विल आई डू दिस सम? नाउ दिस इज माय सम, लुक ओवर हियर. मैं बोलूंगा क्योंकि ऑक्सीजन पूरा यूटिलाइज हुआ है, तो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम CO2, यानी कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन. यूनिटी मेथड है,
वन टू दे रहा है तो टू क्या देगा, 200 क्या देगा, 2 × 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको बनेगा। अब दूसरा पार्ट, मैंने क्या बोला, कार्बन मोनोऑक्साइड अनयूज्ड रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड अतुल विल्सन। देखो, वन वॉल्यूम ऑफ ओ टू रिएक्ट्स विथ टू वॉल्यूम ऑफ सीओ, तो 200 वॉल्यूम ऑफ ओ टू रिएक्ट्स विथ 2 × 200 यानी कि 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका क्या मतलब है कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें अनयूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड कितना होगा, 450 से 400 हम लोगों ने यूज कर लिया, मतलब 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मैंने देखा है बच्चों में, इसे आप अवॉइड करना, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ वो कर रहे हैं हम लोग, 20-30% वैसा सम कर रहे हैं हम लोग। चलो ये सम हो जाएगा आपसे, वेरी गुड, ये एक सम क्लियर है, मतलब मोल कॉन्सेप्ट क्लियर है, ट्रस्ट मी। अच्छा बच्चे ने बोला है, अच्छे रिएक्शन से याद रखिएगा, इथेन विथ ऑक्सीजन, मीथेन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। ई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक करते हैं, 3000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, 3000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन वॉज बर्न्ड, 3000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन वॉज बर्न्ड विथ, कुछ देंगे आप लोगों को सम, घबराइए मत, 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन। रिएक्शन याद कर लेना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। अरे बोल दिया ऑक्सीजन ज्यादा है, पहले रिएक्शन लिखो भाई। तो C2H6 अगर इथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो प्रोडक्ट हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अब इसे बैलेंस करो, अगर इसका बैलेंस याद कर पाओ तो सही है, यहां पे 2 होगा, यहां पे 7 होगा, यहां पे 4 होगा, यहां पे 6 होगा। क्या बोला है, ऊपर डेटा लिख लो, ये हो गया 3000, ये हो गया 600। देखो मैंने बोला है ऑक्सीजन इज टू दिस कैलकुलेट, ठीक है, आपका C2H6 इज टू ओ टू, 2 × 7 है, कम वाला को पहले लिखना, अच्छे और कितना दिया हुआ है, 600 × 3000, तो ये हो गया 1:5, मतलब 2:10। देखो यहां पे 2 था, यहां पे 7 था, यहां पे 2, यहां पे 10, मतलब ऑक्सीजन बच जाएगा। हालांकि यहां पे बोल दिया है, डायग्राम आएगा लैब प्रिपरेशन देख लेना, यहां पे तो बोल दिया है कि ऑक्सीजन पूरा यूज नहीं होगा, बड़ा इजी है। 2 वॉल्यूम ऑफ इथेन, ये चीज समझो बच्चे लोग, रिएक्ट्स विथ 7 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं, उसके बाद 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा 7/2 वॉल्यूम से, तो आपका 600 रिएक्ट करेगा
सेवन बाई टू इंटू 600, दैट इज 320/100, यानी कि कितना ऑक्सीजन यूज होगा भाई? हां सही है, 2100 यूज होगा, मतलब के 3000 माइनस 2100, 900 बच जाएगा। वही तो मेरा सवाल है, समझ में आया? ये बड़ा इजी था आपका, आप इसे करना। अरे ठीक है, चलो ये तो आपका हो गया। ये नेक्स्ट एक और देखते हैं, जिस बच्चे ने बोला था कि सर एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया रहता है, उसके रिलेटेड सम बताइए। वेरी गुड, मैं दूंगा एक सम दूंगा, आप लोगों को घबराइए मत। चलो एक वैसा सम लेते हैं हम लोग, 200 ml ऑफ इथीन, मतलब C2H4, ये 200 ml लिए हो आप, इस बर्नड इन जस्ट सफिशियंट एयर, एयर का मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है, कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन, इज बर्नड इन सफिशियंट एयर कंटेनिंग 20% ऑफ ऑक्सीजन। नहीं नहीं आप आंसर वैसे ही छोड़ देना, लीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। 200 ml ऑफ C2H4 इज बर्नड इन जस्ट सफिशियंट एयर एज पर द इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ था, इक्वेशन दिया हुआ था, लेकिन आप लोग इक्वेशन लर्न कर लेना, कॉमन इक्वेशन जो हम लोग कर रहे हैं। कैलकुलेट द रिजल्टिंग मिक्सचर कॉम्पोजिशन, ठीक है, ओके ठीक है। तो भैया देखो, पहली बात तो वन वॉल्यूम रेशियो क्या है, 1:3:2, ये गैशियस है, बोल दिया है। तो वन वॉल्यूम ऑफ CH4 रिएक्ट्स विद 3 volume ऑफ O2, है कि नहीं? तो 200 ml रिएक्ट करेगा, 1:3 है तो 200 कितना होगा, 600 ml ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 600 ml ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा आपको। ये तो क्लियर है, देखो अभी हम बता रहे, डोंट वरी, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, H2O देखते हैं, 1 volume ऑफ C2H4 था, C2H4 सिलेबस देखिए आप लोग, सिलेबस क्यों नहीं देखते हैं, गिव्स 2 volume ऑफ H2O, तो 200 ml विल गिव 400 ml, यानी कि 400 ml ऑफ H2O बनेगा, ये भी सही हमारा, ठीक है। रिएक्शन इनकम्प्लीट था, CO2 कहां गया, सॉरी सॉरी, ठीक है, रिएक्शन इनकम्प्लीट हो गया था। फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे 2 होगा, ठीक है, सेम। थर्ड, 1 volume ऑफ C2H4 गिव्स 2 volume ऑफ CO2, यानी कि 200 ml विल गिव 400 ml, सिंपल, यानी कि 400 ml ऑफ CO2 बनेगा। अब ध्यान से देखना, एयर लिया था हम लोगों ने, तो एयर में मेन तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है, वो बाकी सब मैं छोड़ दे रहा हूं, मोटा माटी आपका 80% तो नाइट्रोजन है ना, समझ लो बात को, 80% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन दिया ये लोग आंसर में, या दिया है, तो क्या पूछा, कैलकुलेट द रिजल्टिंग मिक्सचर कॉम्पोजिशन, हाँ नाइट्रोजन पूछा है, तो 20%, समझो बात को,
समझिए, एयर में से 20% ऑक्सीजन निकल के 600 ml दिया है, तो 20% का मतलब होता है 600। अब 80% तो नाइट्रोजन है ना भैया, तो 80% का मतलब क्या होगा? 600 by 20 into 80 यानी कि 2400। इतना ml नाइट्रोजन होगा, ये मत भूलिएगा, ये बोलना बहुत जरूरी है। वेरी गुड मैथ हैटर। चलो अब मैं एक सम देता हूं आप लोगों को। क्या भाई क्या खुल गया है। अब मैं एक सम देता हूं, देखते हैं कौन कर पाता है ये सम। और प्लीज, ये कॉमन रिएक्शन मीथेन, इथेन, इथीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सब रिएक्शन कर लीजिएगा। चलिए एक आप लोग को देता हूं मैं। चलो मोल कॉन्सेप्ट का, हाँ ये वाला सम करके दिखाइए। ये अभी हम लोग ये किया था, डेटा चेंज है, इसको करके दिखाई तो आप लोग। रॉबिन डू दिस सम, ये टेस्ट पेपर से दिया है मैंने, ठीक है। बुक पूरा बुक पढ़ो, तुम लोग पूरा बुक करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये टेस्ट पेपर से दिया मैंने, गेलू से क्लॉप है। इथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। याद रखना, इक्वेशन लर्न कर लेना, इक्वेशन शायद ना दे, शायद ना दे। रॉबिन बुनिया, मेरी वजह से नहीं, आप अपनी वजह से पढ़ रहे हो बेटा, आपने मेहनत किया, हमारा काम तो बस आपको रास्ता दिखाना है, ठीक है। एक टीचर का काम होता है आपको रास्ता दिखाना। या मैथ आटर ने कर लिया, अरे ये लड़का, वेरी गुड, द आंसर इज टोटली करेक्ट। मैथ आटर नंबर वन क्या है, नंबर टू क्या है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे मुझे? व्हाट इज नंबर वन एंड व्हाट इज नंबर टू? रॉबिन वेरी गुड। अच्छा वन, अच्छा वो यहां पर दिया हुआ था, एकदम सही है। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। देखो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनयूज्ड, मतलब ये बच जाएगा, इससे कंपेयर मत करना कार्बन डाइऑक्साइड को, इससे कंपेयर करना। टू वॉल्यूम C2H6 गिव्स 4 वॉल्यूम CO2, 300 cc गिव्स 4 by 2 into 300, दैट इज 600 हो गया पहला पार्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद वेरी गुड, सब बच्चे कर रहे हैं, मतलब तो आप लोगों को तो ये आ गया यार, वेरी नाइस। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनयूज्ड, वेरी गुड, ये भी कर लेते हैं। टू वॉल्यूम ऑफ C2H6 रिएक्ट्स विथ 7 वॉल्यूम ऑफ O2, तो 300 कितना से रिएक्ट करेगा? 7 by 2 into 300 यानी ये हो गया 2 और ये 150, 0 7 5 35, 1050। तो कितना बच जाएगा? 1250 था, मतलब 200 बच जाएगा बॉस, है कि नहीं? सी इन द अदर रूम माई सन इज यूजिंग सेलफोन, और एकदम आवाज एकदम तेज करके सुन रहा है, क्या बोले उस बच्चे को बताओ। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अब एक और देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे अपना। एक और सम कर लीजिए आप लोग, प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है। या डू दिस वन, ये भी सेम है, इसको होमवर्क रखो। चलो ये सेम सम दिया मैंने, सेम सम है, इस टाइप के सम्स देते हैं, ठीक है।
फर्स्ट, कौन सा फर्स्ट? ये तो इजी था। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कितने बच्चे ने यहां पे सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होता है, वो लोग सिंपली उठाते हैं ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर कर देते हैं कि 7 वॉल्यूम 4 वॉल्यूम देता है तो 1250 कितना देगा, 4/7 × 1250। ये रॉन्ग है क्योंकि पूरा पूरा O2 रिएक्ट ही नहीं कर रहा है बॉस, बोल दिया अनयूज्ड ऑक्सीजन है, समझ रहे हो। चलो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड चैप्टर हमारा, सेकेंड पार्ट जो कि स्टोशियोमेट्री से है हमारा, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। परसेंटेज कॉम्पोजिशन पहले देख लेते हैं, ये तो बड़ा इजी है यार, ये होमवर्क कर लेना आप लोग, ठीक है। मैथ एडर ने आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड। चलो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलते किसको है? इट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। हर एक एलिमेंट का कितना परसेंटेज है बाय वेट एक कंपाउंड में, उसी को मैथ हटा। वेरी गुड श्रेया तिवारी, वेरी गुड ईशान। आफ्टर दिस विल डू एम्पेरिकल फॉर्मूला, सीरियली चलते हैं हम लोग। भैया कौन बाइक का तेल इतना उड़ा रहा है भाई, तेल बहुत महंगा है भाई, ऐसा मत करो। मतलब बहुत सारे राइडर्स को मैंने देखा है, वो लोग क्या करते हैं जब कोई गली में या लेन में घुसते हैं तो स्पीड उनकी रहेगी 10 से लेके 20 किलोमीटर पर आवर, उससे ज्यादा स्पीड होता है, बट ब्रूम ब्रूम ब्रूम। क्या भाई पापा के पैसे फूक रहे हो, पापा को, पापा की परी को इंप्रेस करने के लिए? हाँ ऐसा मत किया करो यार, पापा के पैसे फूक रहे हो पापा की परी को इंप्रेस करने के लिए, और पता चला परी किसी और के साथ है। चलिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इट इज अ परसेंटेज बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। एक सिंप एक सम लोग है ना क्लियर हो जाएगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं। एक सबसे पहले इजी लेते हैं, व्हाट इज द, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है? K2Cr2O7। घबराओ मत, सबका मास दिया रहेगा, सबका वेट दिया रहेगा आपको, ठीक है। बिना के का है तभी जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैल्शियम जो कॉमन है, कार्बन नाइट्रोजन, इनका वेट आप याद करके रखना, ठीक है। चलो ये है आपका, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, कहाँ गया भाई? के है आपका 39, सीआर है आपका 52 और ऑक्सीजन है 16। वेरी गुड। अरे भैया पोटेशियम है कितना? 2 × 39 यही है ना, इसका मॉलिकुलर वेट कितना है? 2 × 39, 2 × 52, 7 × 16, यही है ना, देख लो चेक कर लो, ये है 294। तो क्या चीज का परसेंटेज निकालने बोला है? परसेंटेज हमें निकालने बोला है पोटेशियम का, ये आपका है 78। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 78/294 × 100। खत्म, हो गया हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन 26.53। वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक एक मैं देता हूं आप लोगों को, एक देता हूं, देखते हैं आप लोग कर पाते हो कि नहीं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन कैल्शियम फॉस्फेट, मतलब CA3PO4 होल टू।
कैल्शियम का है 40, फास्फोरस का है 31, ऑक्सीजन का है 16। चलिए निकालिए इसको, करना है आपको बस। इसके बाद हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला से करेंगे, बस हो जाएगा और क्या। हाँ, जिनको अगर पढ़ना कुछ और हो तो जाके पढ़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप यही करो। ठीक है, यस, ये वाला निकाल के दिखाओ मुझे। बस एक दो सम करेंगे इसमें, बस और कुछ आता नहीं इसका। एक और सम है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से है, उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला। अरे फॉस्फोरस का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो भाई, सवाल 20%। 20% सही है। श्लोक सतव्या, वेरी गुड श्लोक, वेरी गुड। अरे फॉस्फोरस यहां पे है कितना, यहां पे है 2, है कि नहीं? तो ये हो गया 2 × 31। क्लियर है? इसका वेट क्या होगा, 3 × 40, 2 × 31, 16 × 8, 16 × 8। नहीं बाबा, अल्कोहल एसिड नहीं है सिलेबस में, सिलेबस का बुक खोलो भाई, सिलेबस बुक नहीं सॉरी, वेबसाइट पे है देखो। ये 310 आ रहा है, ये आ रहा है 62, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगा, 62 बाई 310 इंटू 100, ये आपका 20% आ रहा है। नहीं करना है पीयूष, नहीं करना है। चलो ये तो बड़ा इजी था, एक और लास्ट सम देखते हैं, तो ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट, मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मुझे नहीं पता है, यही मेरा निकालना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इफ 10 ग्राम, 10 ग्राम हाइड्रस, हाइड्रस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स गिव्स 6.4 ग्राम ऑफ एन हाइड्रस CuSO4 ऑन हीटिंग। यस, पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट सम है वो, सम्स क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अरेंज करना। आपको कुछ दे देगा, बोलेगा भैया इसको अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अरे सम का भाग्य भाई। चलो तो ये हमारा सम है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब 10 ग्राम हाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया था आपने और 6.4 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बचा है आपका, तो वाटर कितना निकला होगा, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना, मतलब 3.6 या ग्राम ऑफ वाटर निकला होगा, समझ रहे हो, 3.6। अब हमारा ये क्या था, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट ये है आपका 64 प्लस 32, इसका नहीं, कॉपर सल्फेट का सिर्फ निकालो, कॉपर सल्फेट का निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 64 प्लस 32 प्लस 16 × 4, यही होगा ना, 64 प्लस 32 या ये आ रहा है 160। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या है, 18 होता है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? और कुछ दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था,
ठीक है, सही है। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन का यूज करेंगे, यहां तक क्लियर है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कॉपर सल्फेट, ओके। चलो, तो मास ऑफ वाटर है 3.6 ग्राम, कॉपर सल्फेट है 6.4 ग्राम। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे जो मास ऑफ वाटर होगा, यहां पे जो मास ऑफ वाटर है वो क्या होगा? वो होगा 18x। सही है, सही है। और मास ऑफ वाटर इज 18x हमारा, ठीक है। अब मास ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये आपका 160 है ना, ये किसके बराबर होगा? 3.6 बाई 6.4 के बराबर होगा ना, चेक करो। जो मास ऑफ वाटर निकला है वो 3.6 ग्राम निकला है, जो मास ऑफ CuSO4 निकला है वो 6.4 ग्राम निकला है, और यहां पे क्लियरली मास ऑफ वाटर 18x है, मास ऑफ CuSO4 160 है। नहीं, गे-लुसिक लॉ में इक्वेशन देंगे, अगर नहीं देंगे तो आपको खुद से बैलेंस करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है वो लोग दे आपको। बस अब इसको सॉल्व कर लो भैया। तो एक्स क्या निकल रहा है आपका बताओ मुझे, यहां पे निकल रहा है 5, एक्स का वैल्यू 5 निकल रहा है। चलो ये तो हो गया गे-लुसिक लॉ, सबसे टफ सम यही था इसका, ठीक है। यहां पे प्रोपोजिशन क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनवर्स का भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पीयूष, व्हाई आर यू, आई एम टेलिंग यू द थिंग। ये लास्ट टॉपिक देख लेते हैं अब, इंपेरिकल एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला और वेपर डेंसिटी। गे-लुसिक लॉ, सर आपका थंबनेल बकवास है। ए प्रमोद, इस बात से मैं भी आपका राजी हूं, थंबनेल बकवास है। ये कोई गलत बात आपने नहीं बोला है, उसको ठीक कैसे करना ये बताओ मुझे, ठीक है। सर गे-लुसिक लॉ के लिए हमें इक्वेशन बैलेंस मिलेगा क्या? हाई चांसेस आर देयर दे विल गिव यू द इक्वेशन, बट अगर नहीं दिए तो आपको करना पड़ेगा। देखो इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते कैसे है, बोलते किसको है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट, ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड। इसी को हम लोग कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब क्या है? मतलब है कि अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हो तो C6H12O6 होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 6:12:6 के रेशियो में है, तो इसका सिंपलेस्ट क्या होगा, 1:2:1। मतलब इसका एम्फेरिकल फॉर्मूला होगा CH2O, समझ लो। सुहास ने पूछा कि सर कैन यू टेल हाउ टू डू द पीरियोडिक टर्म टेबल अरेंजिंग सम, सम नहीं है वो, कॉन्सेप्ट है यार, पता रहना चाहिए। डाउन अ ग्रुप अलोंग अ पीरियड ट्रेंड आपको पता रहना चाहिए, बस वो पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो इसका मैं आपको कुछ और लॉजिक बता दूं कि भैया इंपेरिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला जो होता है
मॉलिकुलर फॉर्मूला वो होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन. क्या है हम लोग सम्स में समझेंगे, और एम्पेरिकल एन कैसे निकालते हैं, एन निकालते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट, इन सबको समझेंगे सम करते हुए, बाय एम्पेरिकल वेट. और एक फॉर्मूला याद रखना कि जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी होता है, बस ये आपको याद रखना है. अब एक सम देख रहे हैं हम, आप लोग देखो ठीक है, एक सम करने से ही आपका क्लियर हो जाएगा, या सिर्फ एक सम करेंगे हम लोग पर ये क्लियर हो जाएगा. देखो पीरियोडिक टेबल, देखो रिएक्शंस तो देगा ही देगा, केमिस्ट्री में ना बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत देते हैं ये लोग, ठीक है, पिक्चर बेस देंगे इस बार रिया स्पेसिमन में. पीरियोडिक टेबल से कंपैरिजन आ सकता है डेफिनेटली, अरेंज करना जितना पढ़ो आपके लिए यूजफुल है. अ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं, एक सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है. क्या बोल रहा है, अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है जिसमें है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. देखिएगा किस तरह करते हैं हम लोग, ठीक है, मैं डेटा लिख रहा हूं. इज फाउंड टू कंटेन 40% ऑफ कार्बन, 40% कार्बन है, ठीक है, ये एलिमेंट है मेरा पहला जो ग्रुप है, परसेंटेज 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन. कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला इफ द वेपर डेंसिटी इज 30. कैलकुलेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला. ये एक सम देखिए सही से आपका पूरा ये हो जाएगा, ठीक है, और मैंने वीडियो बनाया है इस पे. चलो ये दो चीज दिया हुआ था आपको, सबसे पहले काम आप एटॉमिक वेट लिखना, ये भी दिया रहेगा आपको, इसका है 12, इसका है 8, इसका है 16. फिर एक कॉलम बनाएंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ये कैसे निकालते हैं, 40 को 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 40/12 तो क्या निकलेगा, ये 3.33 निकल रहा है, ठीक है. उसके बाद 6.7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा, 6.7 ही आएगा. उसके बाद 53.3 को हम लोग 16 से डिवाइड करेंगे. हाँ ये थोड़ा ट्रिकी बन जाता है बच्चों के लिए, ये डिवीजन थोड़ा रॉन्ग करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, 3.3 की जगह किसी ने अगर 3.5 लिख दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा यार. उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ होल नंबर, तो ये कैसे निकालेंगे हम, जो आपका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम है जो सबसे छोटा है वो उठाओ और सबको उसी से डिवाइड कर दो, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा. बोलेगा सर 2.0001 आ रहा है सर, क्या करे, अरे भैया 2 लेना, ठीक है, यानी कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया,
सी एच टू ओ हो गया। हाँ, टू डेसिमल तक लो, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स में टू डेसिमल तक लेना, ठीक है। चलो, अच्छा मैथ आटर पहले से फॉर्मूला निकाल के बैठा हुआ है ये लड़का ना, केमिस्ट्री में भी 100 लाएगा, मैथ्स में तो ये 100 ला ही रहा है, फिजिक्स का मुझे पता नहीं इसका कैसा गया। मैथ आटर हाउ इज योर फिजिक्स? चलो पहले आप मॉलिकुलर वेट निकाल लो, मॉलिकुलर वेट क्या होगा? ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी, यानी कि 60। हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर डिवाइड करने के बाद भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर 2.5 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, वेरी गुड, ताकि वो आपका, सपोज यहां पे किसी बच्चे का वन, सपोज किसी समय 2.5 और 3 आता, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, होल नंबर चाहिए हमको, स्मॉलेस्ट चाहिए, 4 से मत करना, ठीक है। चलो, मॉलिकुलर फॉर्मूला 60 है, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या, इंपेरिकल वेट क्या है? 12, 2, 16, यानी कि 30। तो एन क्या होगा? एन होगा मॉलिकुलर वेट बाई एम्पेरिकल वेट, यानी कि 2, यानी कि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H4O2। बस यही एक सम करो, और मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है, मैंने वहां पे पूरा सम सॉल्व किया है, शायद ये इंपॉर्टेंट सम मैंने वहां पे सॉल्व किया, वो देख लेना। बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और एक और लाइव मैंने सोचा है अभी के लिए, रात में, तो रात में एक लाइव जाएंगे पूरा एमसीक्यू के लिए, ठीक है। और वो बुक तो यूज नहीं करना हमको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2:30 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो एवरीबॉडी, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्टडिंग, बी हेल्दी।